हाय फ्रेंड्स, बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ हेमंत और आप लोग देख रहे हो हेमंत एडिटिंग पुरुलिया यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं जो स्टेटस सीखने वाला हूँ बहुत ही कमाल का होने वाला है। ये जो स्टेटस है बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो प्रीव्यू दिखाने से पहले, अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके और नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और वीडियो बनाने में कोई भी प्रॉब्लम आए तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। उसके साथ साथ मेरे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो भी कर देना और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। इस टेलीग्राम चैनल पर बस मैं खाली फ़ोटो अपलोड करूँगा, आपसे वीडियो वो वेबसाइट पर मिल जाएगा, उधर से डाउनलोड कर लेना। तो चलिए आज का प्रीव्यू दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, प्रीव्यू तो देख लिया, वीडियो कैसा होने वाला है। तो इस स्टेटस को बनाने के लिए वीडियो को एकदम कंप्लीट देखना होगा, तभी ये स्टेटस बना पाओगे, नहीं तो आप लोग बना नहीं पाओगे। तो ये स्टेटस को बनाने के लिए सबसे पहले एलाइट मोशन ऐप को ओपन कर लेना। तो मैं एलाइट मोशन ऐप को ओपन कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, देख सकते हो एलाइट मोशन ऐप को ओपन करने के बाद ये जो प्रोजेक्ट वाला ऑप्शन है यहाँ पर आ जाना, और ये जो सॉन्ग बिटमार प्रोजेक्ट और जो सेकिपेट प्रोजेक्ट है, ये दो प्रोजेक्ट मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से इनपुट कर लेना। और अगर इनपुट करना नहीं आता है तो उसके लिए मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, उस वीडियो को देख लेना, वो भी लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए सबसे पहले सॉन्ग बिटमार प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना। तो फ्रेंड्स, सॉन्ग बिटमार प्रोजेक्ट को ओपन करने के बाद इस प्रोजेक्ट का इंटरफेस कुछ इस तरह दिखाएगा, देख सकते हो। तो आप लोगों को क्या करना होगा, वो बैक हो जाना और ये जो सेकिपेट प्रोजेक्ट है ये प्रोजेक्ट में आ जाना। और ये प्रोजेक्ट में आने के बाद ये जो नीचे देख सकते हो ये जो लेयर है, ये लेयर को फर्स्ट कॉपी करना होगा। ये जो दो लेयर है, ये दो लेयर को फर्स्ट कॉपी कर लेना। तो उसके लिए साइड में इसे टच करके रहना है और दो लेयर को कॉपी करना होगा। तो ये जो ऑप्शन है यहाँ पर टच करना होगा और इधर से कॉपी टू लेयर कर लेना है। उसके बाद बैक हो जाना और फिर से सॉन्ग बिटमार प्रोजेक्ट में आ जाना। और ये प्रोजेक्ट में आने के बाद ये जो ऑप्शन है यहाँ पर टच करना होगा और ये जो पेस्ट टू लेयर है यहाँ पर टच कर देना। तो दो जो लेयर है वो पेस्ट हो जाएगा, आ जाएगा, देख सकते हो। उसके बाद एक बार एरो ऑप्शन पर टच करना है और टच करने के बाद ये जो दो लेयर अभी पेस्ट किया वो लेयर, एक लेयर को टच करना है। ये टाइमर ऑप्शन है यहाँ पर टच करना होगा और ये ऑप्शन पर टच कर देना, तभी ये अगला बिट तक आएगा। उसके बाद फिर से सेकंड लेयर को टच करना है, टाइमर ऑप्शन पर चले जाना और ये ऑप्शन पर टच कर देना। तो देख सकते हो हमारे जो दो लेयर है वो ऐड हो गया। उसके बाद फिर से ये जो सेकेंड लेयर है, ये सेकेंड लेयर में फिर से तीन लेयर को ऐड करना होगा। तो उसके लिए बैक हो जाना, फिर से सेकिपेट प्रोजेक्ट में चला जाना। उसके बाद ये जो देख सकते हो ये जो तीन लेयर है, ये तीन लेयर को कॉपी करना होगा। तो ऐसे साइड में टच करके रहना है और तीन लेयर को टिक कर देना है। उसके बाद ये जो ऑप्शन है यहाँ पर टच करना होगा और इधर से कॉपी थ्री लेयर कर लेना है। उसके बाद बैक हो जाना और सॉन्ग बिटमार प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना। फिर से सॉन्ग बिटमार प्रोजेक्ट को ओपन करने के बाद ये जो ओके का ऑप्शन है, मिसिंग फोंड लिख रहा है, तो यहाँ पर ओके कर देना। उसके बाद सेकंड बिट में आ जाना है, जो 3:23 सेकंड में जो बिट है ये बिट में आ जाना। उसके बाद ये जो ऑप्शन है यहाँ पर टच करना होगा और इधर से पेस्ट थ्री लेयर कर देना। पेस्ट थ्री लेयर करने के बाद अब क्या करना होगा, ये जो थ्री लेयर है ये जो 9:02 सेकंड में जो बिट है ये बिट तक ये लेयर को लाना होगा। तो उसके लिए ये साइड में टच कर देना। उसके बाद ये टाइमर ऑप्शन पर टच करना और ये ऑप्शन को टच कर देना। तो देखो एक लेयर आ गया, उसके बाद दूसरा लेयर को टच करना, टाइमर ऑप्शन पर चले जाना और ये जो ऑप्शन है यहाँ पर टच कर देना। तो सेकंड लेयर भी आ गया। उसके बाद थर्ड में जो लेयर है वो थर्ड लेयर को टच करना, टाइमर ऑप्शन पर चले जाना और ये ऑप्शन को टच कर देना। तो देख सकते हो हमारा तीन लेयर आ गया है। तो अब क्या करना होगा, तो देख सकते हो ये जो फ्रेंड्स, ये जो म्यूजिक प्लेयर है देख सकते हो, तो हमारा
यहाँ पर पिक्चर है, देख सकते हो साइड में। और यहाँ पर मैं खुद लिखा हूँ बेवफा सनम रे और नागपुरी बेवफा सॉन्ग, तो इसको आप भी एडिट कर सकते हो। तो उसके लिए ग्रुप एडिट में चले जाना, और ये जो देख सकते हो ये जो लेयर है लिरिक्स से लेयर है, यहाँ पर येलो कलर को टच कर देना। उसके बाद ये जो डबल एडिट टेक्स है यहाँ पर चले जाना। उसके बाद जिस सॉन्ग पे आप बनाना चाहते हो उस सॉन्ग का नाम यहाँ पर दे देना, और पुरुलिया जो भी सॉन्ग है यहाँ पर लिख देना। मेरी तरह देख सकते हो नागपुरी बेवफा सॉन्ग में लिख कर रखा हूँ, तो यहाँ से आप लोग एडिट कर लेना लिरिक्स को। उसके बाद ये जो फोटो है ये फ़ोटो को कैसे चेंज करना है, फ़ोटो चेंज करने के लिए ये जो ग्रुप एंड मार्क्स वन है इसको टच कर देना। उसके बाद एडिट ग्रुप में चले जाना, और यहाँ पर देख सकते हो ये मेरा फ़ोटो है, तो इसको डिलीट कर देना। डिलीट करने के बाद फिर से अपना फ़ोटो ऐड कर लेना, तो उसके लिए प्लस ऑप्शन पर टच करना, मीडिया ऑप्शन पर चले जाना, और जिस फोटो को आप लगाना चाहते हो उस फ़ोटो को ऐड कर लेना। तो मैं आप लोगों को दिखाने के लिए ये फ़ोटो को मैं ऐड कर लेता हूँ, देख सकते हो ऐड कर लिया। उसके बाद मूव एंड ट्रांसफॉर्म में चले जाना, थर्ड नंबर पर आ जाना, इसको ऐसे छोटा कर लेना, देख सकते हो। छोटा करने के बाद ये जो ऊपर में जो ऑप्शन है यहाँ पर टच करना होगा, और यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर ये जो ऑप्शन है यहाँ पर इसको सेट कर देना। सेट करने के बाद इसको जूम कर देना, तो इतना रखने के बाद एक बार बैक हो जाना, और इसे टच करके रहना है ये लेयर को, देख सकते हो सेप लेयर को, और ऊपर फ़ोटो के ऊपर रख देना। तो देख सकते हो हमारा वो फ़ोटो ऐड हो गया, तो फ़ोटो को फिर से एडिट कर लेना ठीक से। तो फोटो लेयर को टच करना, मूव एंड ट्रांसफॉर्म में चले जाना, और ऐसे करके आप लोग इसको सेट कर देना। उसके बाद बैक हो जाना, बैक हो जाने के बाद ये जो सेप जितना लंबा है उतना लंबा ये फ़ोटो लेयर को रखना है, तो एकदम लास्ट में चले जाना, और ये जो ऑप्शन है यहाँ पर टच कर देना। उसके बाद बैक हो जाना, तो फ्रेंड्स बैक हो जाने के बाद और एक बार बैक हो जाना, तो फ्रेंड्स आगे चले जाना। तो देख सकते हो ये जो म्यूजिक प्लेयर का जो लेयर है देख सकते हो हमारा छोटा हो गया वो अपना फ़ोटो और लिरिक्स लिखने के बाद। तो इसको क्या करना होगा, एक बार टच करना, और ये जो बीट है ये बीट में आ जाए। तो फ्रेंड्स अगला बीट में आने के बाद ये जो ऑप्शन है यहाँ पर टच कर देना, और इधर से ये लेयर को ले आना। उसके बाद एक बार बैक हो जाना, और देख सकते हो हमारा ये फेड आउट जो इफेक्ट है वो बंद हो गया, तो उसको फिर से लगाना होगा। तो उसके लिए ये जो की फ्रॉम है उसको फिर से देना होगा ये लेयर में, तो उसके लिए ये लेयर को टच करना और मूव एंड ट्रांसफॉर्म में चले जाना, थर्ड नंबर पर जो ऑप्शन है यहाँ पर आ जाना। उसके बाद ये जो की फ्रॉम है इसको यहाँ पर सेट कर देना। सेट करने के बाद एक बार लास्ट में चले जाना, लास्ट बीट में। उसके बाद एक बार प्लस दे देना, प्लस देने के बाद ये दोनों बीट के देख सकते हो ये जो प्लस है ये एक प्लस है और ये एक प्लस है, तो ये दो प्लस के बीच में आ जाना। उसके बाद इसको थोड़ा जूम कर लेना, ऐसे करके जूम करने के बाद और कुछ नहीं करना है, बैक हो जाना। तो देख सकते हो हमारा जो इफेक्ट है तो फिर से ऐड हो गया, देख सकते हो। तो अब क्या करना होगा, चाहो तो इस लेयर को ऐसे मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके नीचे भी कर सकते हो ऐसे करके, तो कर लेना ठीक से। उसके बाद तो ये जो बीट है, तो फ्रेंड्स अब ये जो बीट है ये बीट में वीडियो ऐड करना होगा, तो ये वीडियो वेबसाइट पर मिल जाएगा, उधर से डाउनलोड कर लेना। तो ये जो बीट है ये बीट में वीडियो ऐड करना होगा, तो उसके लिए प्लस ऑप्शन पर टच करना, मीडिया ऑप्शन में चले जाना, और ये वीडियो को ऐड कर लेना। तो ये जो वीडियो है देख सकते हो ये वीडियो फास्ट में दे देना, फास्ट बीट में। तो ये वीडियो को टच करना, थ्री डॉट में जाना, और फिर कंपोजिशन एरिया कर लेना। उसके बाद एक बार एड ऑप्शन पर टच करना, और ये बीट में आने के बाद बाकी का पार्ट हटा देना वीडियो का। उसके बाद ये बीट में फिर से एक वीडियो को ऐड कर लेना, तो उसके लिए प्लस ऑप्शन पर टच करना, मीडिया ऑप्शन में चले जाना, और ये वीडियो को ऐड कर लेना। तो ये वीडियो ऐड करने के बाद ये वीडियो लेयर को टच करना, ऊपर में थ्री डॉट में टच करना, और फिर कंपोजिशन एरिया कर लेना। उसके बाद एक बार एड ऑप्शन पर टच करना, और ये बीट में आने के बाद बाकी का पार्ट हटा देना वीडियो का। उसके बाद फिर से एक वीडियो को ऐड कर लेना। तो ऐसे करके आप लोग ये चार वीडियो को ऐड कर लेना। ऐड करने के बाद और एक वीडियो है, ये वीडियो को ऐड करने के बाद आप लोगों को दिखाता हूँ। तो ये वीडियो को भी देख सकते हो ऐड कर लिया हूँ। तो ऐड करने के बाद ये जो चार वीडियो है, तो एक वीडियो में इफेक्ट देना नहीं होगा। ये जो फर्स्ट में जो वीडियो है ये वीडियो में मैं पहले से इफेक्ट देकर रखा हूँ, और ये जो
तीन वीडियो है, ये तीन वीडियो में इपेट देना होगा। तो उसके लिए बैक हो जाना और सेकिपेट प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना फिर से। उसके बाद यहाँ पर ओके कर देना। ओके कर, ये जो देख सकते हो तीन फोटो है, तो ये तीन फोटो में तीन इपेट है। तो फर्स्ट में जो फोटो है, ये फोटो को टच करना, इपेक्ट में जाना, थ्री डॉट पर जाना और कॉपी इपेक्ट कर लेना। उसके बाद बैक हो जाना और फिर से सॉन्ग बिटमार प्रोजेक्ट में चले जाना। और जाने के बाद ये जो वीडियो है, फर्स्ट वीडियो में नहीं देना होगा। उसके बाद ये जो 13:02 सेकंड में जो बीट है, ये वीडियो में ये इफेक्ट को दे देना। उसके बाद ये इफेक्ट को और वीडियो में नहीं देना होगा। उसके बाद फिर से आगे चले जाना और ये जो 17:02 में जो वीडियो लेयर है, ये वीडियो लेयर में और एक इफेक्ट देना होगा। तो उसके लिए बैक हो जाना और सेकिपेट प्रोजेक्ट में आ जाना। और ये जो सेकंड में जो फोटो है, ये सेकंड फोटो को टच करना, इफेक्ट में जाना, थ्री डॉट पर जाना और कॉपी इफेक्ट कर लेना। उसके बाद बैक हो जाना और सॉन्ग बिटमार प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद उसके बाद आगे चले जाना और ये जो वीडियो है, ये 17:02 में जो वीडियो है, ये वीडियो में ये इफेक्ट को दे देना। तो वीडियो लेयर को टच करना, इफेक्ट में जाना, थ्री डॉट पर जाना और पेस्ट कर देना। उसके बाद एकदम ये जो लास्ट में जो वीडियो है, ये वीडियो में तीन नंबर फोटो में जो इफेक्ट है, वो इफेक्ट को ये वीडियो में देना होगा। तो उसके लिए बैक हो जाना और सेक इफेक्ट प्रोजेक्ट में फिर से आ जाना। आ जाने के बाद एकदम ये जो तीन नंबर फोटो में जो इफेक्ट है, वो इफेक्ट को देना होगा। तो ये वीडियो फोटो लेयर को टच करना, इफेक्ट में जाना, थ्री डॉट पर जाना और कॉपी इफेक्ट कर लेना। उसके बाद बैक हो जाना और फिर से सॉन्ग बिटमार प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद एकदम लास्ट वीडियो में ये इफेक्ट को दे देना। ये जो वीडियो है, ये वीडियो में ये इफेक्ट को दे देना। तो ये वीडियो लेयर को टच करना, इफेक्ट में जाना, थ्री डॉट पर जाना और पेस्ट इफेक्ट कर देना। तो देख सकते हो वीडियो में इफेक्ट लग गया। उसके बाद बैक हो जाना और फिर से सेक इफेक्ट प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद ये जो फाइव लेयर है, देख सकते हो ये फाइव लेयर को कॉपी करना होगा। तो ऐसे टच करके रहना और फाइव लेयर को कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद ये जो ऑप्शन है, यहाँ से कॉपी कर लेना फाइव, देख सकते हो कॉपी फाइव लेयर। तो इसको कॉपी कर लेना, उसके बाद फिर से सॉन्ग बिटमार प्रोजेक्ट में आ जाना। और आ जाने के बाद ये जो अभी कॉपी किया फाइव लेयर को, वो यहाँ पर पेस्ट कर देना। तो पेस्ट करने के बाद एकदम लास्ट में चले जाना और ये फाइव लेयर को टच एकदम लास्ट में लाना होगा। तो फर्स्ट लेयर को टच करना, टाइमर ऑप्शन पर चले जाना और ये जो ऑप्शन है यहाँ पर टच कर देना। उसके बाद सेकंड लेयर को टच करना, टाइमर ऑप्शन पर टच करना और एकदम लास्ट में ले आना। तो ऐसे करके फाइव लेयर को एकदम लास्ट में ले आना। फ्रेंड्स, ऐसे करके आप लोग वीडियो को बना लेना। वीडियो बनाना हो जाने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना। तो वीडियो एक्सपोर्ट करने के लिए ये जो ऊपर में जो ऑप्शन है, यहाँ पर टच करना होगा और यहाँ से वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना। तो मेरा जो वीडियो है वो इतना ही था आज का वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।